हेलो बच्चों, क्लास 11th के जीओसी पार्ट में आज हम लोग लेके खड़े हैं रेजोनेंस। जबकि पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हमने टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, टाइप ऑफ अटैकिंग रेजेंट, न्यूक्लियोफिल्स, इलेक्ट्रोफिल्स, रेडिकल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन देखा है। जबकि आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीओसी का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कंपाउंड की स्टेबिलिटी दिखाई जा सकती है। अब जैसे बहुत से कम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। वंस अगेन, बहुत कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस केस में उस कंपाउंड के दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, बट इंडिविजुअली कोई भी स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं बता पाएगा। बट एक स्ट्रक्चर जो कि 3D होता है, इन सबके बीच में ही होती है, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जो पेपर प्लेन पे ड्रॉ नहीं होता है, वो सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लेता है। तो उस स्ट्रक्चर जो सबके बीच में है, 3D पिक्चर है, दैट इज रेजोनेंट हाइब्रिड। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये था हमारा रेजोनेंस का एक कंसेप्ट। एक बार फिर से इसको सुन लेते हैं। बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, बहुत से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे हैं जिसको एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस केस में उस कंपाउंड के दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, बट इंडिविजुअली कोई भी स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं बता पाता है। बट एक स्ट्रक्चर जो सबके बीच में होता है, 3D स्ट्रक्चर होती है, डॉट डॉट लाइन से डिनोट होता है, दैट इज रेजोनेंट हाइब्रिड, जो कंप्लीट ज्योमेट्री बताता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बता सकता है, कंप्लीट प्रॉपर्टी बता सकता है। और इसके अलावा जो हम लोग चार पांच स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारा टॉपिक का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। हमारे टॉपिक का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंट इफेक्ट में जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन में देखें तो बेंजीन में हमको 3 pi दिख रही है, जबकि एक्चुअली यहां पर 6 pi इलेक्ट्रॉन होती है। यहां भी देखें तो हमको 6 pi इलेक्ट्रॉन बेंजीन में होती है, बेंजीन में एक्चुअली 6 pi इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि पाई अगर हम गिने तो हमको 3 दिखती है। इस केस में बेंजीन के एक जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, बीच में गोल कर देते हैं, वो है रेजोनेंट स्ट्रक्चर। इसका मतलब है ये बॉन्ड मूव करके यहाँ आता है, सिंगल डबल के जगह पे, डबल सिंगल के जगह पे जाती है, मतलब अंदर का बॉन्ड रोटेट करता है। तो अगर हम लोग बॉन्ड को रोटेट करा देते हैं तो हो जाता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो बेंजीन का अगर हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, सीधे हम लोग गोल करेंगे और बीच में ये कर देते हैं। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसका रियल स्ट्रक्चर देखना हो तो आपको देखना होगा जहाँ पर कार्बन दिखेगी, हर एक कॉर्नर पर हाइड्रोजन दिखेगा और कार्बन की टेट्रावेलेंसी आपको दिखेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए एक नियम आप अगर पालन करते हैं तो स्ट्रक्चर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नियम सिर्फ यही है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड। फिर से, अगर कहीं बॉन्ड बनी हुई है तो इसमें एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड, पहला बात। और दूसरा, जहां से पेयर उठाएंगे वहां पे प्लस और जहां पे पेयर गिराएंगे वहां पर माइनस। मतलब जिस जगह से पेयर को हम लोग उठा लेंगे यहाँ पे प्लस और जहाँ पे पेयर गिरा देंगे यहाँ पर माइनस। अगर ये दो बात हम लोग माने, पहला पेयर में एक बॉन्ड में पेयर, पेयर में एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर, जहाँ से उठाएंगे प्लस और जहाँ पे गिराएंगे वहाँ माइनस, इतना रूल को माने तो हम लोग कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ एलिफेटिक रेजोनेंस में आपको दिखाता हूँ, जो कि हमारे चैन में होती है। ये कंपाउंड है इथनोइक एसिड, कंपाउंड का नाम है इथनोइक एसिड, CH3COH। इस पेयर को उठा के डालेंगे यहाँ। अब थोड़ा सोचते हैं, इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितना बॉन्ड हमको दिख रहा है, 4, 1, 2, 3, 4, बट ये पेयर यहाँ बॉन्ड बनाने वाला है तो इसको हो जाएगा 5 bond। इस केस में ई पाई को शिफ्ट कर देगा ऊपर, दिखा क्या हुआ, ई पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड ऊपर जाके पेयर बना देगा। बट अब ये तो बॉन्ड पेयर पेयर बॉन्ड किए हैं या पेयर बॉन्ड बॉन्ड पेयर किए हैं, बट इसके अलावा चार्ज की भी बात हम करेंगे। चलिए आते हैं, इस CH3 को कुछ नहीं किया, CH3C ई पेयर यहाँ बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और ई बॉन्ड ऊपर पेयर ले गया। तो ऊपर तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर था, एक और आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ई पेयर तो पहले से ही सेफ है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए, पेयर को उठाएं, मतलब यहाँ प्लस, कार्बन पे शुरू में क्या किए थे, गिराए थे, तो यहाँ पे माइनस। सेकेंड स्टेप में यहाँ से उठा लिए, इस पर प्लस और इस पर माइनस, ई हो गई न्यूट्रल। इथनोइक एसिड का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इस पर हम रेजोनेंस करें तो दोबारा फिर से यही ड्रॉ हो जाएगी। फिर से हम लोग देखते हैं,
इस पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पेयर बना देंगे। अब ध्यान देते हैं, CH3 को अभी भी हमने कुछ नहीं किया, CH3 एज यूजुअल पड़ी हुई है। सी ई पेयर यहाँ बनाएगा बॉन्ड, ऊपर ऑक्सीजन का पेयर, नीचे बना दिया बॉन्ड, बॉन्ड ऊपर पेयर तीन था, अब दो ही बची। अब ई बॉन्ड यहाँ ला देगा पेयर, तो ई बॉन्ड यहाँ ला दिया पेयर, तो एक पहले से है, एक आ गया साथ में एच। लेकिन अब चार्ज की बात करेंगे, ऊपर से क्या किए, उठाएं, क्या आएगा प्लस, ऑलरेडी क्या है माइनस, हो जाएगा न्यूट्रल, ऊपर न्यूट्रल हो गया। कार्बन पे शुरू में क्या किए, गिराएं, क्या आएगा माइनस, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या किए, उठा लिए, क्या बनेगा प्लस, पहले क्या बना था माइनस, क्या हो गया न्यूट्रल, और यहाँ पर क्या आ गया गिराने के कारण माइनस, ऑलरेडी क्या है प्लस, ई हो गई न्यूट्रल। अभी दोनों को देखें, दोनों स्ट्रक्चर हमारी सेम है, इसका मतलब ये पता चला कि ये दोनों के बीच में बॉन्ड हमारा मूव करता है, CH3 ऊपर ओ नीचे ओ यहाँ एच, ये दोनों की जगह पे बॉन्ड हमारा ही मूव करता है, दोनों जगह पे ऑक्सीजन की बॉन्ड आती है, डबल बॉन्ड। सो इट इज रेजोनेंट हाइब्रिड, और जो अलग अलग बनाते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक और इसका हम दिखाते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर में, इसका नाम है इथेनामाइड, अमाइड ग्रुप का कंपाउंड है, CH3CO2। फिर वही काम करना है, इस पेयर को यहाँ डालेंगे बॉन्ड में, बॉन्ड उठ के जाएगी पेयर में, जबकि ऑक्सीजन के पास दो पेयर तो पहले से ही होती है। स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 को कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, CH3C यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ का पेयर खत्म हो गई, और ई बॉन्ड ऊपर पेयर बना देगा, तो ऑक्सीजन के पास दो पेयर पहले से था, एक और आ गई। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन से क्या किए, उठाएं, तो यहाँ पर प्लस, कार्बन पे क्या किए, शुरू में गिराएं, तो यहाँ पर माइनस, सेकंड स्टेप में फिर कार्बन से उठा लिए, तो यहाँ पर आ गई फिर से प्लस, ऑक्सीजन पे आ गई माइनस, ई हो गई न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर इस पे रेजोनेंस करें तो फिर से यही आ जाएगी। फिर से देखते हैं, इसको डाला कार्बन के पास, इसको डाल दिया यहाँ, तो CH3 एज यूजुअल पड़ा हुआ है, सी सिंगल था, पेयर बॉन्ड बनाने वाला है डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड ऊपर पेयर ला देगा, तो यहाँ पे NH2 पे एक पेयर वापस आ गई। ऑक्सीजन पे कितना पेयर यहाँ था, तीन, कितना बचेगा, दो, 1 2 1 2। अब चार्ज की बात, ऊपर से क्या किए, उठाएं, क्या आएगा प्लस, पहले से क्या दिख रहा है माइनस, हो गया न्यूट्रल। कार्बन के पास शुरू में क्या किए थे, गिराए थे, क्या आएगा माइनस, लेकिन फिर उठा लिए, क्या बनेगा प्लस, ही हो गया न्यूट्रल। और नाइट्रोजन के पास जो पहुंच गया तो माइनस, जबकि ऑलरेडी प्लस, ही हो गया न्यूट्रल। ये दोनों फोटो रिटर्न कर रही है। तो ये था एलिफेटिक रेजोनेंस, बट रेजोनेंस का मजा तो एरोमेटिक में है, जब हम लोग पूरा बेंजीन रिंग को रोटेट करते हैं। तो अगर एरोमेटिक रेजोनेंस हम देखें तो एरोमेटिक रेजोनेंस दो टाइप की होती है, प्लस आर और एक माइनस आर। कुछ कंपाउंड प्लस आर के लिए होते हैं, कुछ आइटम माइनस आर के लिए होते हैं। अब जल्दी से थोड़ा समझ लेते हैं, प्लस आर कौन करेगा, माइनस आर कौन करेगा। बेंजीन के ऊपर जो चीज़ कनेक्ट है, चाहे क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे OH है, चाहे NO2 है, जो भी हो, अगर इसके पास लोन पेयर है, तो ये उतर के घूमेगा, नीचे उतर के मूवमेंट करेगा रिंग में, और उतर के घूमेगा तो ये हो जाएगा प्लस आर। नहीं सुने, अगर लोन पेयर है तो नीचे उतर के घूमेगा, तो ये हो जाएगा प्लस आर, और लोन पेयर अगर नहीं है तब तो ये हो जाएगा माइनस आर। फिर से अब देखते हैं बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना, 7, एक रिंग से सेटिंग बचा कितना, 6, बहुत ज़्यादा लोन पेयर है, मतलब ये उतर के घूमेगा, प्लस आर में है। ब्रोमीन के पास भी 7, एक करेक्टेड, 6, ऑक्सीजन के पास कितना, 6, एक हाइड्रोजन में एक रिंग में बचा कितना, 4, नाइट्रोजन के पास भी 5, एक रिंग में दो हाइड्रोजन में 3, माने कि जितना भी आइटम ऊपर के देख रहे हैं सबके पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर रहेगा तब नीचे उतर के घूमेगा, उतर के घूमेगा तो प्लस आर। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, मैं तैयार हूँ आगे के लिए। लेकिन बेंजीन ऊपर जो आइटम है, अगर इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, जैसे हम बेंजल डिहाइड देख लेते हैं, तो बेंजल डिहाइड में एक रिंग से हमारा कनेक्टेड है सी, सी के वैलेंस शेल में कितना, 4, एक यहाँ, एक यहाँ एच। अब देखिए कार्बन के जो चार इलेक्ट्रॉन है, चारों इंगेज है, एक रिंग में इंगेज है, और दो इधर इंगेज है, एक इधर इंगेज है, चारों के चारों इंगेज, मतलब इसमें किसी के पास ऊपर में लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं है तो ये लोग चढ़ के घूमेगा, कुछ करके दिखाते हैं, चढ़ के घूमेगा तो माइनस आर। तो इतना समझ में आ गया, कौन करेगा प्लस आर, कौन करेगा माइनस आर। बेंजीन के ऊपर जो आइटम है, अगर इसके पास लोन पेयर है तब तो उतर के घूमेगा तो प्लस आर। और बेंजीन के ऊपर जो आइटम है, अगर इस पर लोन पेयर नहीं है तो चढ़ के घूमेगा, ये हो जाएगा माइनस आर। अब एक में प्लस आर, एक में माइनस आर का रेजोनेंस आपको करके दिखाता हूं। हम लोग इधर चलते हैं, आयुष इधर आया जाए। ये है क्लोरोबेंजीन। अच्छा एक बताओ, जब रेजोनेंस हम करेंगे तो शुरू में ही गोल वाला पिक्चर हम लोग नहीं ले लेंगे, क्योंकि ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको तो हमको ला के दिखाना है। हमने लिया ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब थोड़ा सा इसको हम लोग वॉश कर देते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और एक रिंग से सेटिंग है 7। ये हर एक जगह पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, आपको एक ही ढंग से देखना है, बाकी नीचे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इस कार्बन पे 4 बॉन्ड तो आपको दिख रहा है, 2, 3, 4, जबकि यहाँ पर आपको 3 बॉन्ड दिख रहा है। तो चूंकि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो 3 तो दिख रहा है, चौथा हाइड्रोजन में छुपा है, 3 तो दिख रहा है, चौथा हाइड्रोजन में छुपा है, 3 दिख रहा है, चौथा छुपा है, सब जगह पे यही है। स्टार्ट हम करते हैं, एक पेयर को डालेंगे यहाँ बॉन्ड पे, पेयर डालना है बॉन्ड पर और ई बॉन्ड को डालना है कार्बन पर। बच्चे रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाते समय तीर का जो नुखीला पॉइंट होता है इसको उल्टा पुल्टा चलाते हैं, समझ में नहीं आता है कि तीर हमारी कहाँ जा रही है। तो पेयर से उठा के हम डालें बॉन्ड पर और ये बॉन्ड से उठा के डालें हम लोग कार्बन पर। अब क्या हुआ, सबसे पहले दोनों बॉन्ड को तो हमने नहीं छेड़ा है, जो बॉन्ड को नहीं छेड़े हैं पहले एज यूजुअल उसको रख देते हैं, इसको इसको हम लोग नहीं छेड़े हैं। जहाँ पर छेड़छाड़ किए वहाँ पर क्या हो गई, क्लोरीन से एक पेयर क्या किए उतारे हैं, तो अब 2 पेयर बचा, 3 पेयर था, यहाँ पे आया प्लस, ई पेयर बीच में बनाया बॉन्ड, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गई और ई बॉन्ड से यहाँ पर आ गई पेयर, तो यहाँ पे ला दिए पेयर। बट जब उठाए थे तो प्लस, यहाँ पे शुरू में गिराए तो माइनस, फिर यहाँ से उठाए तो यहाँ पर प्लस, अब यहाँ गिराए तो माइनस, अब बीच में हो गए न्यूट्रल। इट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, ध्यान से, इस पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाए, इस बॉन्ड से यहाँ पेयर लाए, उठाए तो प्लस, गिराए तो माइनस, फिर उठाए प्लस, गिराए माइनस, फर्स्ट पिक्चर। अब इस पे काम करेंगे, इस पेयर को बॉन्ड पे और इस बॉन्ड को पेयर पे, ऊपर हमने कुछ नहीं किया तो ऊपर एज यूजुअल हम रख देते हैं, दिस सी पे प्लस, सी एल पे प्लस, अब 2 पेयर हमारे पास है। इस बॉन्ड को भी हम लोग कुछ नहीं किए, बॉन्ड को ऐसा ही रखते हैं। अब थोड़ा देखते हैं ध्यान से क्या हुआ है, ई पेयर यहाँ बॉन्ड बनाया और ई बॉन्ड यहाँ पर पेयर लाया। अब चार्ज की बात, यहाँ से उठाए हैं तो प्लस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ हो गया न्यूट्रल, शुरू के स्टेप में यहाँ गिरा तो आया माइनस, अब फिर आप उठा लिए हो तो यहाँ पर आ गया प्लस, मतलब ही हो गया न्यूट्रल, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर है। नेक्स्ट पिक्चर, इसको डालेंगे यहाँ, ध्यान दीजिए हम लोग बॉन्ड पे डालते हैं, बॉन्ड पे डालते हैं और इस बॉन्ड को हम लोग कार्बन पे डालते हैं। बच्चे गलती यही करते हैं, तीर का पॉइंट को अलग अलग जगह पे मारते हैं, समझ में नहीं आती है कि कहाँ मार रहे हैं। तो पेयर से डालना है बॉन्ड पर, बॉन्ड से डालना है कार्बन पर, ऊपर कुछ नहीं हुई, ऊपर हमने ऐसे ही रख दिया, 1, 2, 1, 2 प्लस चार्ज है, इसको इस बार छेड़ी नहीं गई है, रखी हुई है। ये पेयर से यहाँ बॉन्ड बना और ये बॉन्ड यहाँ पेयर ला दिया। अब चार्ज वाली बात, यहाँ से उठाए हैं प्लस, ऑलरेडी माइनस, हो गए न्यूट्रल, यहाँ पे शुरू में डाला है माइनस, फिर उठा लिए हैं प्लस, ये हो गए न्यूट्रल, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट पिक्चर, इसको डालेंगे यहाँ और ये पहुँचा देंगे ऊपर, क्या हुआ सर, ये दोनों बॉन्ड को तो हम लोग छेड़े नहीं हैं, ठीक है, ई पेयर यहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ बॉन्ड बनाया, ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर पेयर लेके चला गया, तो क्लोरीन के पास 2 पेयर तो हम लोग ढो रहे थे, 1 पेयर पहुँच गई। अब चार्ज वाली बात, यहाँ से उठाए हैं तो प्लस, ऑलरेडी माइनस, हो गया न्यूट्रल, यहाँ पे डाले हैं शुरू में माइनस, फिर उठा लिए प्लस, हो गया न्यूट्रल, और लास्ट में ऊपर में पहुँचा है माइनस, लेकिन ऊपर में प्लस था, हो गए न्यूट्रल। अब फर्स्ट पिक्चर और लास्ट पिक्चर को हम लोग देखें, बॉन्ड मूव कर गया, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गई, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गई। अगर इस फोटो से स्टार्ट करें तो ये आ जाएगी, इस फोटो से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगी, मतलब अंदर का बॉन्ड रोटेट करता है, ऊपर हमारा सीएल खड़ा है। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, जब रोटेट करता है तो देखिए ऑर्थो पर नेगेटिव है, मेटा पर, ऑर्थो मेटा पारा, हाँ ऑर्थो और पारा पे बनेगा नेगेटिव, यानी कि ऑर्थो पे पार्शियली नेगेटिव, पारा पे पार्शियली नेगेटिव, ऑर्थो पे पार्शियली नेगेटिव। यहाँ देखिए ये ऑर्थो पोजीशन, यहाँ देखिए ये पारा पोजीशन, यहाँ देखिए ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पारा ऑर्थो पे नेगेटिव बनता है। तो अगर कोई आइटम उतर के घूमेगा, शुरू का ही पिक्चर में दिखा रहे थे उतार के घुमाएं, अगर उतर के घूमेगा तब तो ऑर्थो और पारा पे बनेगा नेगेटिव। फिर से इसको सुन लीजिए कान से ध्यान से, अगर उतर के घूमेगा तो ऑर्थो पारा पर बनेगा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एक आइटम और है मेरे पास, फिनॉल, अगर इसके साथ भी हम काम करें तो सेम हम काम करते हैं, एक और करते हैं, लेकिन आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। शुरुआत हम कर देते हैं, ये आएगा नीचे, ये पहुंचेगा यहाँ, ठीक है। तो इस दोनों बॉन्ड को हम कुछ किए नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए ऊपर, प्लस एक पेयर एच के साथ, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। फटाक से इस बॉन्ड को आप यहाँ डालिए बॉन्ड पे, इसको आप यहाँ पहुँचाइए, ऊपर हम लोग कुछ किए नहीं, ओ पे प्लस दिस हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को हम कुछ किए नहीं, ई पेयर यहाँ बनाया बॉन्ड, ई बॉन्ड यहाँ ला दिया पेयर,
उठाएं, प्लस ऑलरेडी माइनस यहाँ हो गया, न्यूट्रल, दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ, मतलब कि जहाँ दो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव वहीं पर होगी, इसको हम डालेंगे यहाँ, इसको पहुँचा देंगे हम यहाँ, तो डबल बॉन्ड ओ के साथ प्लस जैसा है ऊपर हम रख दिए, इसको कुछ किए नहीं, ई पेयर यहाँ बॉन्ड बना दिया और ई बॉन्ड यहाँ पर पेयर ला दिया दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ। नेक्स्ट फोटो, इसको हम डालेंगे, ई डाले यहाँ तो यहाँ पर बॉन्ड आ गए, अब ई बॉन्ड यहाँ पर बना दिया। नेक्स्ट केस में इसको डालेंगे यहाँ और इसको पहुँचा देंगे ऊपर, तो अब क्या हुआ, इस बॉन्ड को छेड़े नहीं, इस बॉन्ड को छेड़े नहीं, यहाँ पर बना बॉन्ड और ई बॉन्ड ऊपर पेयर लेके चला गया, तो ओ पे एक पेयर और एक अभी आया चार्ज की बात, यहाँ से उठाए हैं प्लस, ऑलरेडी माइनस हो गया न्यूट्रल, यहाँ डाले हैं माइनस, फिर उठा लिए प्लस, ऊपर पहुँच गया नेगेटिव और लेकिन ऊपर पॉजिटिव है, फिर से घूम के न्यूट्रल हो गए। अब और अंदर का बॉन्ड रोटेट करता है, क्योंकि इस फोटो और फर्स्ट फोटो को देखा जाए, फर्स्ट और फिफ्थ फोटो को देखें, जहां सिंगल था वहां डबल हो गया, जहां डबल था वहां सिंगल हो गया, और इस दौरान ऑर्थो और पारा पे बनाता है नेगेटिव। तो जो भी आइटम प्लस आर करेगा, मतलब उतर के घूमेगा, उसके ऑर्थो पारा पे बनेगा नेगेटिव। सो एक इलेक्ट्रोफिल जब भी अटैक करेगा तो ऑर्थो पारा पे ही करेगा, ये समझने वाली बात है। इलेक्ट्रोफिल जो कि खुद पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, वो जब अटैक करेगा तो ऑर्थो पारा पे ही करेगा। तो जितने भी आइटम उतर के घूमेंगे, जिसके ऊपर लोन पेयर है, सबके ऑर्थो पारा पर बनेगा नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रोफिल अटैक ऑर्थो पारा पे ही करेगा, मेटा पे कभी नहीं करेगा। कुछ आइटम आपको दिखाते हैं माइनस आर वाला, जो उतर के नहीं घूमेगा, चढ़ के घूमेगा। एक आइटम हम रखे हैं बेंजल डिहाइड, गौर करके देखिए यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, कार्बन के वैलेंस सेल में कितना, चार, चारों के चारों इंगेज है। अगर आप ये समझ गए, कम से कम बच्चों इसके पांच स्ट्रक्चर आपको बनाने होंगे, और एक बनाइए दूसरा आसान लगेगा, दो बनाइए तीसरा आसान लगेगा, चौथा बनाइए पाँचवा आपको बनाने का मन नहीं करेगा, बहुत ईजी हो गई, दो तीन बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड की मूवमेंट है। अब यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको डालेंगे यहाँ, इसको पहुँचाएंगे यहाँ, यहाँ पर तो ऑलरेडी दो पेयर है क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितना, छः, दो के साथ सेटिंग था। अब देखिए इसको, इसको छेड़े नहीं, ऊपर में क्या हुआ, ई पेयर ऊपर बॉन्ड बना और ई बॉन्ड यहाँ पेयर बना दिया, तो वन टू एंड वन टू हाइड्रोजन एज यूजुअल खड़ा है, यहाँ से आप उठाए हो प्लस, शुरू में यहाँ डाले थे माइनस, फिर उठाए हो प्लस, यहाँ न्यूट्रल हो गया, दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऊपर में चले गए। नेक्स्ट अब यहाँ एक एक तीर में चलेंगे, ई बॉन्ड सीधे मूव करेगा बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, इसमें सिर्फ दो तीर दिखेगा शुरू में और लास्ट में, अब जबकि तीनों जगह पर दिखेगा एक तीर, देखते हैं। ऊपर कुछ हुआ नहीं, एज यूजुअल सी ओ वन टू वन टू वन टू नेगेटिव एच, और इस बॉन्ड के साथ कोई काम नहीं, ई बॉन्ड मूव कर गया यहाँ, यहाँ से आप उठाए हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ई हो गया न्यूट्रल प्लस यहाँ पर आके। नेक्स्ट इसको डालेंगे यहाँ, यहाँ से उठाएं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ई न्यूट्रल हो जाएगा, और इसको हम छेड़े नहीं, यहाँ पे हो गई प्लस, बॉन्ड मूव कर गए नीचे, और ऊपर का आइटम तो ऐसे ही रखा हुआ जैसा था, दिस सी ओ वन टू वन टू वन टू नेगेटिव के साथ एच। नेक्स्ट केस क्या करेंगे हम, इसको डालेंगे यहाँ और ये बॉन्ड को गिरा देंगे यहाँ, ठीक है, इस दोनों बॉन्ड को हमने कुछ नहीं किया, ये यहाँ पर बॉन्ड बना, गिरा तो नेगेटिव न्यूट्रल भी हो गया, और ये पेयर यहाँ बॉन्ड बना दिया डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से फाइनली उठाए थे तो प्लस ऑलरेडी है, माइनस हो गया न्यूट्रल, जब केस खड़ा है। अब जरा फिफ्थ फोटो और फर्स्ट फोटो को देखा जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बॉन्ड मूव कर गया, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल है, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये आएगी, मतलब इसका भी बॉन्ड अंदर में मूव करता है, और मूव करके थोड़ा देखिए उल्टा हुआ, ऑर्थो पे बना पॉजिटिव, पारा पे बना पॉजिटिव, जबकि उसको ऑर्थो पे बना था नेगेटिव, तो ऑर्थो पे पॉजिटिव, पारा पे पॉजिटिव, ऑर्थो पे पॉजिटिव, जबकि इसका नेगेटिव था। तो अगर कोई आइटम चढ़ के घूमेगा तो माइनस आर करेगा, और माइनस आर करेगा तो ऑर्थो पारा पे बनेगा पॉजिटिव। कोई भी आइटम अगर उतर के घूमेगा तो वो करेगा आपका प्लस आर, और प्लस आर के ऑर्थो पारा पे नेगेटिव। सिर्फ एक बार रेजोनेंस का फोटो को हर एक को देखना है, हो सके तो दो बार देखिए किस टाइप से बॉन्ड मूवमेंट कर रही है। एक और हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको आप बढ़ा लीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन है, इसको यहाँ लिए, इसको यहाँ लिए, बाकी अब चालू हो जाइए। ये दोनों को छेड़छाड़ नहीं हुआ है, यहाँ छेड़छाड़ हुआ, उठाए हैं प्लस, बॉन्ड आया यहाँ, एन सिंगल बॉन्ड, वन टू वन टू वन टू नेगेटिव, नाइट्रोजन एज यूजुअल खड़ा है, इसको डाल दीजिए यहाँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, इसको छेड़े नहीं है, अब बॉन्ड मूव कर जाएगी यहाँ, यहाँ न्यूट्रल हो गई, ये ऐसे ही खड़ा है, वन टू वन टू वन टू नेगेटिव ऑक्सीजन। इस बार इसको हम डाल देते हैं यहाँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, बॉन्ड यहाँ आ गई, ये तो पहले से ही है, और ऊपर हमने कुछ किया नहीं है, एन
1 2 1 2 1 2 नेगेटिव ऐसा ही खड़ा है। लास्ट फोटो इसको यहाँ डालते हैं, इसको यहाँ डालते हैं, मतलब दिस दिस और दिस, और यहाँ पर हो गया सिंगल एंड डबल बॉन्ड ओ एंड दिस, यानी कि बॉन्ड हमारे रोटेट कर गए। फर्स्ट फोटो लास्ट फोटो को देखें, हमारा बॉन्ड शिफ्ट करता है, जहाँ डबल है वहाँ सिंगल, जहाँ सिंगल है वहाँ डबल। इसका मतलब अंदर का बॉन्ड रोटेट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जो चढ़ के घूमा, देखिए तीर मेरा ऊपर चढ़ता हुआ है, चढ़ के घूमेगा, इसके ऑर्थो और पारा पे बनेगा पार्शियली पॉजिटिव रिजल्ट। अब रिजल्ट लिया जाए, अगर बेंजीन को ऊपर वाले आइटम में लोन पेयर है तब तो उतर के घूमेगा, और उतर के घूमेगा तो ऑर्थो पारा पे बनेगा नेगेटिव, और अगर लोन पेयर नहीं है तो चढ़ के घूमेगा, और चढ़ के घूमेगा तो ऑर्थो पारा पे बनेगा पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रोफील जब भी अटैक करेगा तो ऑर्थो पारा पे ही करेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफील कभी भी इस पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफील खुद पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोफील यहाँ अटैक करेगा मेटा पर। तो आपको यही चीज़ 12 के हमको रेजोनेंस क्या नाम है मैकेनिज्म में यूज करना है, कि ये सब हो गया ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ये सब हो गया मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोफिल का अटैक चलेगा ऑर्थो पारा पर, इलेक्ट्रोफिल का अटैक चलेगा मेटा पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिल खुद ही होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको तकलीफ होती है तो एक से दो बार वीडियो को रिवर्स कीजिए, और रेजोनेटिंग दो मैंने बना दिया प्लस आर का, दो मैंने बना दिया माइनस आर का, इतने में तो क्लास में बच्चों को समझ में आ जाती है। बैक कीजिए, एक से दो बार हम लोग देखते हैं, आपको रेजोनेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने समझ में आ जाएगा। थैंक यू।